अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपेंसेस की कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। बिजनेस में डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, अगर आप कोई फ्यूल यूज कर रहे हैं तो फ्यूल एक्सपेंस हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया। तो ये तमाम एक्सपेंसेस होते हैं, इनकी एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। जनरली एक्सपेंसेस जब इनकर्ड होते हैं या अकर्ड होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और एक्सपेंसेस इंक्रीज करने का रूल ये है कि उसको हम डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर समहाउ एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्सपेंसेस होते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो एक्सपेंसेस बेसिकली द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू हासिल करने के लिए, रेवेन्यू के लिए आप जो कोई गुड्स की कॉस्ट इनकर्ड करते हैं या सर्विसेज आप लेते हैं, सर्विसेज यानी कि जैसे हम रेंट की बात कर रहे हैं, सैलरीज की बात कर रहे हैं, कोई आपने एड दे दिया है, कोई मार्केटिंग एक्सपेंस हो गए, कोई एडमिन एक्सपेंस हो गए, तो ये तमाम एक्सपेंस जो आप अवेल कर रहे होते हैं, ये तमाम सर्विसेज जो आप अवेल कर रहे होते हैं, ऑब्टेन कर रहे होते हैं, ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस का रूल ये है कि इंक्रीज हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर डिक्रीज हो तो उसको हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं बिजनेस की एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, हम देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। तो क्लास ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। इसमें एक कॉलम आपके पास डेट का होता है, एक कॉलम आपके पास अकाउंट्स टाइटल का होता है, नेक्स्ट कॉलम आपके पास मौजूद है डेबिट एंड क्रेडिट का। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक एक ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, पहली ट्रांजेक्शन जो हमारे पास मौजूद है अगस्त 3rd की, रिकॉर्डेड $100 यूटिलिटी एक्सपेंस, यानी यूटिलिटीज एक्सपेंस आपके $100 के हुए हैं। पेमेंट इज नॉट ड्यू अंटिल अगस्त 30th, यानी अभी पेमेंट ड्यू नहीं है, या आपने अभी पेमेंट नहीं की है, यानी कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो यूटिलिटी एक्सपेंस आपका जो है जब भी इनकर्ड होता है या अकर्ड होता है, तो इसका मतलब है कि एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस के रूल हमारे सेम हैं एज एसेट्स। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग का तरीका ये है कि हम डेट लिख लेते हैं, मंथ हम पहले लिखते हैं और फिर हम डे लिखते हैं। तो हमने इस तरह इसकी रिकॉर्डिंग की है। अच्छा, यूटिलिटीज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम कौन से कॉलम में लिखते हैं, डेबिट कॉलम में। डेबिट कॉलम का तरीका ये है कि बिल्कुल लाइन के साथ लिखते हैं यूटिलिटीज एक्सपेंस। तो हमने कितनी अमाउंट है हमारी $100 की, तो इसको हमने कौन से कॉलम में लिख दिया, डेबिट कॉलम में। अगर यूटिलिटीज एक्सपेंस की पेमेंट हो जाती तो कैश आपके पास से डिक्रीज हो जाता, यानी कि क्रेडिट पे हो जाता, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई है, एक्सपेंस हो गया है, पेमेंट नहीं हुई, तो आपकी ये पेबल है। तो इसको आप अकाउंट्स पेबल लिख दें या यूटिलिटीज पेबल, यानी कि यूटिलिटीज अभी आपने दी नहीं है, अदा करनी बाकी है। इसमें आप अकाउंट्स पेबल भी लिख सकते हैं, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, क्योंकि जैसे ही जितना भी आप उधार पे कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से हम उसको साथ साथ क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है पेड, यानी अदा कर दिया, फॉर गैसोलीन परचेज फॉर अ डिलीवरी ट्रक ड्यूरिंग अगस्त, यानी आप इसको फ्यूल भी कह सकते हैं या गैसोलीन एक्सपेंस भी कह सकते हैं। तो 7th अगस्त की बात हो रही है, हम यहाँ पे मंथ लिखते हैं और डे लिखते हैं 7th। उसके बाद फ्यूल एक्सपेंस भी हम जनरली इसको हम फ्यूल एक्सपेंस में लेके आते हैं।
तो एक्सपेंस अकर्ड हो रहा है तो हम इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से हमने डेबिट में लिखा। अगर आप इसको एग्जाम में गैसोलीन एक्सपेंस लिख देते हैं तो भी वो ठीक है, वो गलत नहीं होगा। तो कितनी अमाउंट का एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है? आपने 192 का एक्सपेंस किया है और पेड है यानी कैश है, तो आपके पास से कैश डिक्रीज हो रहा है या एसेट जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, कैश एसेट है डिक्रीज हो रहा है, तो रूल ये है कि हम उसको क्रेडिट पे लिखते हैं। तो 192 से कैश क्रेडिट हो गया। अब अगर आप पहली और दूसरी ट्रांजेक्शन का डिफरेंस देखें तो दोनों में एक्सपेंस डेबिट हुआ है, लेकिन एक में क्या हुआ है, एक्सपेंस आपने अभी अदा नहीं किया तो पेबल क्रेडिट हो गया, और एक में एक्सपेंस आपने अदा कर दिया है, फॉरन कैश चला गया है, तो फिर आपके पास से कैश क्रेडिट हो गया। और दोनों सूरतों में देखें एक्सपेंस आपने डेबिट किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें लिखा हुआ है पेड। अगेन पेड का मतलब है हमने दे दिया, अदा कर दिया। पेड 2280 यानी 2280 सैलरी टू एन एम्प्लॉय फॉर टाइम वर्क ड्यूरिंग अगस्त। और सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस हमने अदा कर दिया है। 10th की बात हो रही है, आपके पास से कौन सा एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस। तो सैलरीज एक्सपेंस की बात हो रही है क्योंकि पेड का वर्ड है, इसका मतलब है कैश चला गया, कैश आपने अदा कर दिया है। अगर लिखा होता कि सैलरी अभी आपने पे नहीं की है तो फिर हमारे पास सैलरीज पेबल आ जाता, अभी हमारे पास क्या कैश आ जाएगा, और कितना कैश आ जाएगा, हमने कितना दे दिया है 2280। सो ये ट्रांजेक्शन हो गई, एक्सपेंस डेबिट हो गया। रूल है कि एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हमने डेबिट में लिखना है, लेकिन अगर पे हो गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और पेमेंट अगर बाकी है तो फिर आपके पास सैलरीज पेबल क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि एक्सपेंस से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं, और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है प्लेस्ड अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, यानी आपने एड दिया है न्यूज़पेपर में इन द डेली आइटम टू बी पब्लिश्ड इन द अगस्त 20th इशू, द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट वॉज $165, पेमेंट इज ड्यू इन 30 डेज। यानी आपने एड तो प्लेस कर दिया है, एड आपका एक्सपेंस है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ओके, सो एक्सपेंस कितना है, $165 का है, 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद ये अपेयर हो जाएगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा, और इसके लिए आपने कैश दिया होता तो कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ तो अब हम इसको क्या कहेंगे, एडवर्टीजमेंट पेबल, यानी अभी आपने इसके पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं है। इसको आप अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं, अकाउंट पेबल भी अलाउड होता है, लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफाई कर दें कि ये कौन सी एक्सपेंस की बात हो रही है तो वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जनरली जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकर्ड होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट पे रिकॉर्ड कर देते हैं। क्रेडिट की एंट्री बहुत रेयर होती है, अगर कोई एरर आ जाए तो फिर हम इसको क्रेडिट करते हैं, अदरवाइज ये 99% केसेस में इनफैक्ट ये डेबिट होता है। सो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, इनको हमने रिकॉर्ड कर दिया, और हमने देखा कि एक्सपेंसेस कैश के अगेंस्ट भी होते हैं तो कैश के अगेंस्ट हमने इसको लिख के देखा, और अगर एक्सपेंस इनकर्ड हो गया और पेमेंट नहीं हुई तो फिर पेबल्स हम उसके अगेंस्ट लिखते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।